वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट विथ टू एक्टिविटीज. द फर्स्ट एक्टिविटी विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज दैट वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. मेजर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. Now, in yesterday's lecture, we have already seen that we have used one string to measure the length of a desk. Now, in this activity, what you have to do, you have to take your foot, okay, and measure the length of your classroom or your room. जहाँ पे आप बैठे हो आपको उसका length पता करना है कि उसका length कितना है. तो आपको क्या करना होगा, एक foot means first of all you have to take your right foot एंड देन प्लेस इट ऑन अ इन अ रूम. एक टाइल्स पे अपना 12 फुट रखो, सॉरी अपना 1 फुट रखो, दैट इज़ राइट फुट, उसको रखो. फिर यू हैव टू टेक योर लेफ्ट फुट उसके आगे एंड देन अगेन राइट फुट लेफ्ट के आगे, देन लेफ्ट के राइट के आगे. तो ये कंटिन्यूसली यू हैव टू रिपीट दिस थिंग, ओके, टू मेजर द लेंथ ऑफ द रूम. तो ऐसे आपको एक यूनिट मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर मिलेगा और दूसरा मिलेगा यूनिट. नाउ व्हाट इज़ यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट यूनिट मींस व्हेनेवर यू आर मेजरिंग सम डिस्टेंस और समथिंग, ओके, किसी भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो तो यू आर गेटिंग वन नंबर. एक आपको नंबर मिलता है, दूसरा आपको यूनिट मिलता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल डिस्टेंस. ओके, मैं आपको डिस्टेंस का एग्जाम्पल देती हूँ दैट यू हैव टू मेजर द अहमदाबाद टू वडोदरा. ओके, अगर आप मेजर करते हो अहमदाबाद से वडोदरा का डिस्टेंस तो कितना होगा, सो अराउंड 110 किलोमीटर्स. तो आपके पास एक नंबर है, दैट इज़ 110, दिस इज़ नंबर. एंड वॉट इज़ यूनिट, यूनिट इज़ किलोमीटर, किलोमीटर. ओके, सो जैसे कि आप कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हो, दैट इज़ कैपेसिटी, तो आपको मिलता है लीटर, मिलीलीटर. इफ़ यू आर मेजरिंग सम सॉलिड थिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कोई चीज़ है, ओके, कोई भारी सामान है, सॉलिड चीज़ है, तो उसको आप मेजर कर रहे हो, तो आपके पास यूनिट क्या है, यूनिट है किलोग्राम, ग्राम. ओके, आप कोई कपड़ा मेजर कर रहे हो, कोई क्लोथ मेजर कर रहे हो, यू आर मेजरिंग सम क्लोथ, तो आपको क्या मिलता है, उसका यूनिट क्या होगा, उसका होगा सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस. ओके, इफ़ यू आर मेजरिंग सम फील्ड, कोई बड़ी सी जगह आप मेजर कर रहे हो तो उसका होगा यार्ड्स होता है. ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फुट होगा. So these are some units. Whenever you are measuring some distance, some length, anything, तो उसके पीछे, उस number के पीछे कोई ना कोई unit होता ही है. Okay? So in this activity, what you have to do, you have to take your foot, एक right foot लो, okay? और फिर measure करना start कर दो, एक foot के आगे दूसरा foot, फिर this means अपना एक एक foot आगे करते रहना है. Okay? जैसे पहले right foot रखो, फिर left, फिर again उसके right, फिर left, फिर right, फिर left, जब तक आपका पूरा room measure ना हो जाए, you have to do this repeatedly. Okay? But it is possible that while measuring this, you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. अब देखो, ऐसा ऐसा होता है कि कई बार रूम जो है हमारे पैर से मींस यू नो छोटे हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा मेजर नहीं कर पाएंगे उसको, एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड इट मे पॉसिबल कि सबका जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग है. सपोज़ आपके अकॉर्डिंग, ओके, एज़ पर यू, आपके पैर के अकॉर्डिंग, आपके फुट के अकॉर्डिंग आपको 15 फुट लेंथ मिला, मींस आपके फुट मींस आप 15 फुट है आपके क्लासरूम का लेंथ आपके अकॉर्डिंग, लेकिन किसी मींस आपसे किसी का पैर छोटा है, सपोज़ आपके फ्रेंड का पैर छोटा है, उसका फुट छोटा है, ओके, तो उसको मिलेगा रिजल्ट 17 या 18 फुट लेंथ, इतना मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ है, दैट द रिजल्ट इज़ नॉट एक्यूरेट, इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट इज़ प्रिसाइज. ओके, प्रिसाइज मीन्स उसके आसपास आपको रिजल्ट मिलेगा बट नॉट एक्यूरेट.
ओके, सो यू कैन यूज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में आप लोग वो धागा यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ स्केल, यू कैन यूज़ मेजरिंग टेप, ओके, टू गेट दी परफेक्ट रिजल्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ दी एक्टिविटी वन. नाउ व्हाट इज़ एक्टिविटी टू? इन एक्टिविटी टू व्हाट यू हैव टू डू, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम. अब क्लासरूम के डेस्क को आपको मेजर करना है, ओके. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक योर हैंड, ओके, जो पाम होता है थ्रू टॉप ऑफ दी योर थंब टू दी लास्ट फिंगर ऑफ योर, जो लास्ट फिंगर का जो टॉप होता है वहाँ से आपको मेजर करना है, ओके. टॉप ऑफ दी थंब, जो हमारा थंब होता है उसके टॉप से लेके जो लास्ट फिंगर होती है उसके टॉप तक आपको मेजर करते जाना है, करते जाना है, ओके. तो ऐसे आप लोग पूरा लेंथ मींस आप लोग मेजर कर सकते हो ऑफ योर डेस्क. बट अगेन देर इज़ वन लूप होल, वन ड्रॉबैक, दैट किसी का हैंड बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो सबको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, ओके. बट हियर इट इज़ रिटन दैट यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ हैंड स्पैन यू कैन यूज़ सम स्ट्रिंग टू गेट परफेक्ट रिजल्ट. सो आपको फ्रैक्शन करते जाना है टू गेट अ परफेक्ट रिजल्ट. सी इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ यू हैव टू मेजर दैट लेंथ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. आप स्ट्रिंग से कैसे मेजर कर सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके. लाइव आई हैव परफॉर्म दैट एक्टिविटी. सो आपको एक स्ट्रिंग लेना है, मेजर करना है डेस्क को, फिर अगर आपको उस डेस्क का हाफ पता करना है तो आपको उस स्ट्रिंग को फोल्ड कर देना है, तो उतना आपको पता चल जाएगा दैट उस डेस्क का हाफ कितना होता है. इफ़ यू वांट टू नो दी फोर्थ पार्ट, मींस वन फोर्थ पार्ट अगर आपको मेजर करना है तो अगेन यू हैव टू फोल्ड दैट स्ट्रिंग. एंड इफ़ यू वांट टू नो दी वन एट्थ पार्ट ऑफ दैट डेस्क, तो यू हैव टू फोल्ड वन मोर टाइम ऑफ दैट स्ट्रिंग, तो आप उससे मेजर कर सकते हो. एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग यू कैन यूज़ मेजरिंग टेप एज वेल एज दी स्केल, बिकॉज वी हैव अवेलेबल सच टाइप ऑफ थिंग. बट जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग, हैंड, फुट, ये सब हम कब यूज़ करते थे? वैन देर वॉज नॉट इन्वेंटेड सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक मेजरिंग टेप, स्केल, जब ये सब नहीं था तब हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे. नाउ वॉट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वान्टिटी विथ सम नोन क्वान्टिटी. अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वान्टिटी. नाउ वॉट इज अननोन क्वान्टिटी एंड वॉट इज नोन क्वान्टिटी? फॉर एग्जाम्पल यू हैव ड्रॉन अ लाइन, आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ओके, एक अच्छा खासा लाइन को ड्रॉ किया है. नाउ यू हैव टू नो दैट, मीन्स यू वांट टू नो दैट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की लेंथ क्या है, आपको ये मेजर करना है. तो नोन क्वांटिटी क्या है? वो है ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, ओके. ओके सॉरी, नोन क्वांटिटी है ये लाइन. व्हाट इज़ अननोन क्वांटिटी? लेंथ. आपको अभी तक इसका लेंथ नहीं पता है. सो मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन of an unknown quantity with some known quantity. Okay, unknown quantity है वो length of the line और known quantity है measuring tape, string, scale. Okay, तो एक unknown quantity को आपको एक known quantity से measure करना है. This is known as measurement. Comparison आप यहाँ पे कर रहे हो, उस पर एक string रखोगे और आप compare करोगे, ओके. उस अननोन क्वांटिटी को आप मेजर करोगे, उसको कंपेयर करोगे कि इसका लेंथ कितना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप, स्केल. ये सारी चीज़ें यू कैन यूज़ टू मेजर दैट अननोन क्वांटिटी. सी वंस अगेन, अननोन क्वांटिटी क्या है? वो है वो लाइन जो हमने ड्रॉ की है. एंड व्हाट इज़ नोन क्वांटिटी? नोन क्वांटिटी मीन्स स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप, स्केल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट लाइन, ओके. और आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी मिल जाएगी आफ्टर कंपैरिजन. दैट इज़ फॉर एग्जांपल उस लाइन की लेंथ होगी 30 inches, ओके, 15 inches, 30 inches, वॉट एवर जो भी आता है, तो वो आपको मिल जाएगा एक फिक्स्ड क्वांटिटी. सो दिस इज़ नोन एज यूनिट. जो फिक्स्ड क्वांटिटी मिलती है उसको बोलते हैं यूनिट. वंस अगेन, व्हाट इज़ यूनिट? एक हमें दो चीज़ें मिलती हैं,
वन इज नंबर, सेकेंड इज यूनिट. सी द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट. वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक पार्ट आपको मिलता है नंबर और सेकेंड होता है यूनिट. ओके, यूनिट ऑफ एन मेजरमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन हमने ड्रॉ की है, वो लाइन क्या है, अननोन क्वान्टिटी, क्योंकि उसका लेंथ हमें पता नहीं है. हम नोन क्वान्टिटी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग टेप लेंगे या स्केल लेंगे टू मेजर दैट अननोन क्वान्टिटी. हमने अननोन क्वान्टिटी को नोन क्वान्टिटी से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि उसका फिक्स्ड क्वान्टिटी क्या है, दैट इज़ 30 inches. तो 30 यहाँ पे क्या है, नंबर, एंड inches तो वो है यूनिट. ओके, सो हियर वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन. इफ़ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर. ओके, 12 क्या है, नंबर, और फुट लेंथ क्या है, दैट इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मीन्स दिस टॉपिक. इन दैट वी हैव स्टडीड टू एक्टिविटी, विद दैट वी हैव अंडरस्टैंड द मेजरमेंट, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एज वेल एज द यूनिट. सो स्टूडेंट्स, इफ हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन एनी टाइम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.